जो कॉल है, जो हमारी समस्या उसका समर्पण किया, वक्त निकाला और धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा गाजियाबाद नोएडा के नेतृत्व करते हुए जो गुप्पर साहब दीक्षित जी के साथ जो पाल जी हमारे बीच मौजूद है, वो अपने शब्दों से संबोधित करो। हमारे में एक दो टीमों की ओर से आ रहे हैं जो ट्रैफिक जाम की वजह से लेट है, उसके बाद भाइयों शांतिपूर्ण तरीके से अपना जुलूस निकालते हुए हमें ज्ञापन देने की ओर बढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद अजय सरोवाल जी, जो अभी चिल्ला रहे थे वो सभी उसके बाद तो पूरे भारत में त्रस्त है इस सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ। आज जो हमारे ड्राइवर हैं, पूरा चाकेला, जो हमारे परिवार हैं, जो हमारे संस्थाएं हैं, वो सभी बहुत दुखी हैं। और मैं कहना चाहूंगा कि ट्रांसपोर्टों के साथ साथ हिंदुस्तान का हर नागरिक परेशान है। साथियों, ये 10 गुना जो जुर्माना इस सरकार ने, इस गुंडी पहली सरकार ने जो ट्रांसपोर्टों का सब थोपा है, आज ये पता लग रहा है कि हमारा दुख क्या है। आज मैं सड़कों पर उतर आया हूं, आज हमारे पेट का सवाल है। हमारे लिए कोई सरकार मायने नहीं रखती, जो हमारी बात नहीं सुनेगी उस सरकार का हम डटकर विरोध करेंगे। मौजूदा सरकारों ने जो हमारी हालत बना दी, आप सब हम मनी प्रकाश भी इस बात से परिचित हैं। किसी को कोई बात करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से भूवालाल जी अगर आप सुनते हैं तो इस बात को सुनिए ध्यान से। इस मंच के माध्यम से भूवालाल जी इस मंच के माध्यम से ध्यान से सुनिए। अगर आपने कम है तो हमारे साथ बैठ के डिबेट कर लो। अगर गाड़ी वाले की गलती निकाल सके तो हम सारे हम सवासी के सब तत्व पर चलने को तैयार है। निकम्मे की ठल्ली जिस तरीके से जोधपुर शाम करके गाड़ी वालों पर जबरदस्ती कानून ले नहीं बना के फूक रहे हो, एक दिन तैयार रहो। आपकी बार आपकी उनको घाट फेंकना है यहाँ से, जब तक उसको नहीं उठाने फेंकेंगे जब तक हम सुरक्षित रहेंगे। साथियों, इसलिए साथियों हमारे दिल्ली एनसीआर से, अजापुर मंडी से, सीलमपुर से, नोएडा से, फरीदाबाद से, बालगढ़ से, बहादुरगढ़ से, पानीपत से, सभी टेम्पो यूनियन के जो प्रतिनिधि और हमारे बहुत सारे साथी, बहुत सारी यूनियन हमारे साथ है, आपके यहाँ पर आकर के सभी हो गई है। आपको पता है कि ये देश की स्थिति में जा रहा है, हम लोग सब परेशान आदमी है। और 19 तारीख को होने वाला जो चक्कर जाम है, इसको बहुमत के साथ में लोगों को बताएं। दिल्ली में अब क्या होगा? चक्कर जाम होगा। ये नाई को रोको, ये बाल बनाने वाले
और उन सभी को चक्का जाम करो। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। देखकर तो अजीब सा लगता है। चलिए पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा और पार दिल्ली यूनाइटेड फ्रंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के ऑर्गेनाइजर मेन हरीश चवरवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और उपस्थित सारे यूनियनों जिन्होंने साथ दिया उन अधिकारियों का भी धन्यवाद, और सबसे बड़ा धन्यवाद आपके उपस्थिति का। आपका आना बहुत ही बड़ा जरूरी था, आपका आना बहुत जरूरी था, क्योंकि आपके इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे 100% FDI सरकार ला रही है। आप बिल्कुल रोड से खत्म हो जाएंगे, उसकी प्लानिंग चल रही है। MCD के साथ समझौता, इंश्योरेंस कंपनी चलाने वाले मालिकों के साथ समझौता, जितने भी एप बेस्ड कंपनियां हैं उसके साथ समझौता, इनके जो काले कानून आए हैं वो सिर्फ बड़े लोगों को बेनिफिट पहुंचाने के लिए और हम लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए आए हैं। हम लोग सड़क से निकलने वाले हैं। इन्होंने जब सरकार बनाई गई तो आपने सुना होगा, इन्होंने बोला था हमारे देश में दो ही जात के लोग रहते हैं, एक गरीब और दूसरा अमीर, तो बीच वाले कहाँ जाएंगे? आप लोगों ने TV में सुना होगा। हम ये नहीं कहते मोदी सरकार, हम कहते भारत सरकार, क्योंकि मोदी सरकार बोल बोल करके तो मोदी का भाव बढ़ गया। केजरीवाल सरकार नहीं कहते, दिल्ली सरकार कहते, केजरीवाल का नाम जपने से उसका भी भाव बढ़ गया। नाम लेकर किसी की सरकार नहीं होती, किसी की कुर्सी उसकी अमानत नहीं होती, वो जिम्मेदारी नहीं है उसकी कि वो हमेशा के लिए बैठा रहे कहिए। दिल्ली वाले वो दिल्ली का व्यापार साफ चाहिए, रोड पे गाड़ियां खड़ी होती है, हम कहाँ जाएंगे? पार्किंग लेना बंद करे या तो पार्किंग की व्यवस्था करे। टोल टैक्स में इनका खेल चल रहा है, टोल टैक्स ली जाती है, बहुत सारे टोल टैक्स बंद हो चुके हैं, उसकी मियादें पूरी हो चुकी है, सरकार के पास कोई डाटा नहीं है, इनका 50-50 का खेल चल रहा है। इंश्योरेंस कंपनियां 30% गवर्नमेंट को देती है, 30% कमाती है, और आपको सिर्फ 5 लाख आपके इंश्योरेंस एक्सीडेंट होने पर सिर्फ 5 लाख रुपए का मुआवजा देने तय कर रही है। 20% एजेंट को देती है, 30% गवर्नमेंट को देती है, 20% इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज करती है, और बाकी का 30% वो अपने जेब में रखती है। विदेश ये जाते हैं अपने देश वालों के लिए काला कानून सीख कर लाने। हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन है 1 अरब 40 करोड़ के लगभग, और जहाँ से ये सीख कर आते हैं वहाँ की पॉपुलेशन होती है सिर्फ 40 करोड़ की। वहाँ क्षेत्रफल ज़्यादा, पैसे ज़्यादा, लोग शिक्षित ज़्यादा, पूंजी ज़्यादा, तो उनके यहाँ काले कानून चल सकता है, लेकिन रिश्वतें नहीं चलती वहाँ पे। हमारे यहाँ सरकार के द्वारा चलाया गया ये सुनियोजित रिश्वत बम है, भ्रष्टाचारी बम है, भ्रष्टाचार बम है। 3 चेहरे गोला जी, अग्रवाल, सबरवाल जी और कुलधर्म जी, इन लोगों ने तीनों ने ये मुहिम को शुरू किया था 6 तारीख को, और आज ये देखो हुजूम बन गया। एक बार इनके लिए तालियां मार दो भाई। 2 चेहरे ये और 3 चेहरे कुलधर्म जी, तो इन्हीं की रैंक भाई के नीचे हमें मार्च के लिए चला चुके हैं सब, तकरीबन जितनी लंबाई में जुलूस बन सकता बनाए एक दूसरे को उम्र।
अभी सरकार को चेताया जा रहा है और अभी इन्होंने बता दिया भी थी मान ओके बना दो 1900 इससे बड़ा जन आंदोलन हो रहा है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।